अगली खबर में हम बात करते हैं ग्वालियर से, जहां सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम के विरोध में 4 दिन पहले हुए उपद्रव के बाद 20 जून को दिल्ली में बंद व प्रदर्शन की सूचनाओं के चलते ग्वालियर में भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। शहर में स्टेशन, बस स्टैंड, गोला का मंदिर सहित सभी चेकिंग प्वाइंट पर फोर्स तैनात है। लगभग 300 अतिरिक्त जवान व अफसर तैनात किए गए हैं। दिल्ली की ओर जाने और आने वाली ट्रेन व बसों पर रविवार की रात से ही पुलिस निगरानी कर रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सिर्फ यात्रियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। देखने में आया है कि उपद्रवियों ने जितने भी शहरों में उपद्रव मचाया है, स्टेशन और ट्रेन को ही टारगेट किया है। लगातार स्टेशन पर पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। एसएसपी अमित सांघी ने कहा है कि किसी भी विरोधी को दिल्ली नहीं जाने देंगे और गड़बड़ी नहीं फैलाने देंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। शहर में 16 जून को हुए उपद्रव के बाद अग्निपथ के विरोध पर अलर्ट। पुलिस अब उपद्रव में सोशल मीडिया के जिन ग्रुप पर मैसेज व पोस्ट वायरल हुई, उन पर एएसपी क्राइम राजेश दंडोतिया व सीएसपी ऋषिकेश मीणा की टीम की नजर है। लेकिन सूचना है कि उपद्रव करने वाले अब इन व्हाट्सएप व चैटिंग ग्रुप से लेफ्ट होकर नए ग्रुप पर सक्रिय हो गए हैं। अब अग्निपथ विरोधी सोशल मीडिया के स्थान पर टेक्स्ट मैसेज व फोन पर बात कर सूचनाएं भेज रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सोमवार को शहर में कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। पुलिस मॉल, बाजार के अलावा स्टेशन पर लगातार गश्त करती नजर आ रही है। पुलिस अफसरों ने बताया कि उपद्रव के बाद पुलिस ने जिन उपद्रवियों को चिन्हित किया था, वह सभी भूमिगत हो गए हैं। सभी अपने घर व ठिकानों से गायब है और उनके मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। इनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन यह हाथ नहीं आ रहे हैं। भर्ती की तैयारी कराने वाले ट्रेनरों के ग्रुप की भी निगरानी की जा रही है। लगभग 80 बल लगा हुआ है ग्वालियर स्टेशन पे। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेशन में भी पर्याप्त बल लगाया गया है और पूरी तरह से मुश्किल है।